गाइस क्या आप ट्रस्ट करेंगे इस चीज़ में कि मैं कहूँ कि विदाउट नेटवर्क विदाउट वाईफाई सिग्नल आप किसी अगर रिमोट लोकेशन में फंस जाते हो और वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता है या वाईफाई आपको नहीं रहता है, उस केस में भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी नून को। तो ये कैसे होगा? ये पॉसिबल है एंड्रॉयड 15 के थ्रू। एंड्रॉयड 15 अपकमिंग डेज में लॉन्च हो रहा है, उसके अंदर ये फीचर डाला गया है, सैटेलाइट वाला फीचर। आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हो। कब? जब आपके फ़ोन में नेटवर्क अवेलेबल नहीं रहेगा। और सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद आप किसी भी अपने फ़ोन में सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेज सकते हो। तो ये फीचर्स अपकमिंग डेज में आ रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। एंड्रॉयड 15 जो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी ला रहा है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कभी किसी मुसीबत में आप फंस जाते हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको कहीं कॉल करने का जरूरत पड़े, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपके फ़ोन में देख रहे हो इतना नेटवर्क नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपका फ़ोन एंड्रॉयड 15 से अगर है, एंड्रॉयड 15 का है, तो उस केस में ऑटोमेटिक वो सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी को भी मैसेज भेज के SOS के सिचुएशन में किसी को भी मैसेज पहुंचा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हो सकता है कि आपके सिम को अपग्रेड करना पड़े, मे बी उसके लिए कुछ पैक होंगे जो आपको डलवाने होंगे। जी हाँ, ये चार्जेबल ही होने वाला है, सिम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा इसके लिए आपको। अभी एक टेस्टिंग स्टेज में है, जैसे ये प्रॉपर लॉन्च होता है अपकमिंग डेज में मैं इस पर वीडियोस बना दूंगा। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। गूगल का जो एंड्रॉयड है वो एक सैटेलाइट की कंपनी इरिडियम उसे टाई अप कर रहा है। स्पेस में इरिडियम का करीब 70+ सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चक्कर काट रही है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा इस कंपनी से टाई अप करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट इसका जो है स्पेस में अभी लॉन्च किया हुआ है, तो काफ़ी इजी रहेगा, मैक्सिमम एरिया ये कवर कर पाएंगे। हाँ, ये नॉर्मल नेटवर्क के कंपेयर में हो सकता है ये स्लो हो, उतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं हो, बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी को मैसेज पहुंचा पाए उस केस में जहां नेटवर्क ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको गूगल पिक्सल जैसे डिवाइस में टेस्ट किया जा रहा है और डेवलपर्स अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं बीटा वर्जन में। ये प्रोबेबली ये नेक्स्ट ईयर आपको लॉन्च हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आईफोन 14 जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है उसमें ये फीचर ऑलरेडी है अवेलेबल, तो काफ़ी सही चीज़ है कि एप्पल ऑलरेडी इसको ऐड करके रखा। अभी ये सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये जानकारी थी, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और एंड्रॉयड 15 को लेके काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये फीचर जो है काफ़ी कमाल का है, ऐसे सिचुएशन में आपका काम आएगा, तो काफ़ी सही चीज़ है। तो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।